यूपी की मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल की जीत हुई है। ऐसे में बीजेपी के स्थानीय नेता और पदाधिकारी कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर आए। इस बीच खबर आई कि बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल की एसपी क्राइम अनीत कुमार से तीखी बहस हो गई। इस दौरान विनीत ने एसपी तक को धमका दिया और कहा कि होश में रहो। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल अरुण गोविल के जीतने की खबर सुनकर बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल शारदा मतगणना स्थल कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे थे। विश्वविद्यालय के गेट के बाहर पुलिस ने उनकी कार रोक दी तो विनीत नाराज हो गए। विनीत की एसपी क्राइम अनीत कुमार से तीखी नोकझोंक हुई। कार को मतगणना स्थल के अंदर ले जाने से रोकने पर विनीत ने एसपी क्राइम अनीत कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई। विनीत ने एसपी को धमकी देते हुए कहा कि सरकार हमारी है, तुमको देख लूंगा। बीजेपी नेता ने पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों को भी जमकर सुनाया। वहीं एसपी क्राइम अनीत कुमार ने विनीत से कहा कि वो सरकार की नौकरी करते हैं, ना कि आपकी। नोकझोंक का ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। सरकार मेरी आपकी है।